मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने नामांकन पत्र भर दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय नेता आनंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि आज वे नामांकन के लिए मंडी आए हैं और भविष्य में प्रचार के लिए भी मंडी आएंगे। उन्होंने कहा कि युवा चेहरे को पार्टी ने मैदान में उतारा है और वह उसके प्रचार के लिए यहाँ पर दोबारा आएंगे। आया हूँ मैं चुनाव के दिनों में भी मैं आता रहूँगा। ऐसे तो मुझे सारे हिमाचल में जाना है, मैं मंडी में विशेष कर आऊँगा। और क्योंकि मंडी पार्लियामेंट्री हल्का कि मुझे भी 3 बार मुख्यमंत्री एमपी और मंत्री बनने का मौका मिला। उसके बाद 2 दफ़ा मेरी धर्मपत्नी जो है वो वहाँ से खड़ी हुई, तो हमारा मेरा और मेरे परिवार का मंडी क्षेत्र के साथ बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने कहा कि वह अपनी जीत के साथ प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वह भी अब समाप्त हो गई है। उन्होंने खुशी जताई कि वीरभद्र सिंह उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मंडी आए हैं। कांग्रेस पार्टी का ये जुम उमड़ा है और आप देख रहे हैं कि सरकार के 1 साल के जो कार्यकाल हुआ है उसके उपलक्ष्य में आज कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई है और मैं पूर्ण बहुमत से आपको ये कह सकता हूं कि हमें प्रचंड बहुमत से मंडी की सीट जीतेंगे और चारों सीट जो है राहुल गांधी जी की झोलों में डालेंगे। लंबे समय से चर्चा थी वीरभद्र सिंह जी के आने की, आज आप देखिए इंतजार पूरा हुआ है। एक दिग्गज नेता, सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता एक पटल पे हैं। मेरे को बहुत खुशी है कि आज कांग्रेस पार्टी एकजुट हुई है। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।